खेल रहा है पाकिस्तान है अपनी टीम, देख लो भाव दे के काम करो, अपनी टीम पाकिस्तान टीम पाकिस्तान थी, लेकिन इन दोनों ने कभी कभी कर्म भाग्य पर हावी हो जाता है। तो कल तो सेकंड बैटिंग का ही दिन था, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार देखेंगे तो पाकिस्तान इंग्लैंड पहले खेला हुआ है, 137 रन बनाया है, ऑस्ट्रेलिया से एक तरफा हरा हुआ है। पाकिस्तान इसमें सेकंड बैटिंग खेला था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, जिम्बाब्वे 175 रन बनाया था और पाकिस्तान लाहौर में हालांकि 8 विकेट खोकर मैच जीता हुआ है। तो सेकंड बैटिंग का पलड़ा भारी था और संजू से पाकिस्तान सेकंड खेल रहा था और इंग्लैंड फर्स्ट खेल रहा था, लेकिन इतना एक तरफा मैच कि विकेट ही नहीं गिरे, ये अगर रिसर्च किया जाए, मेरे पास दोनों की कुंडली नहीं है, बाबर आजम और रिजवान की कुंडली नहीं है, लेकिन इन दोनों की कुंडली अगर कोई पाकिस्तान भाई सुन रहा है और इन दोनों की कम से कम डेट ऑफ बर्थ, मैं गूगल पे भी सर्च किया था, शायद 15 अक्टूबर 1994 रिजवान का तो आ है, इसका बाबर का तो आ रहा है, लेकिन रिजवान का मुझे नहीं मिला। अगर आप लोग को कोई भाई को अगर मिलता है, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के हो, अगर रिकॉर्ड्स में कहीं मिल जाता है तो मेरे को कमेंट में डाल देना। तो नेक्स्ट ये एक रिसर्च पॉइंट हो, ये एक रिसर्च पॉइंट का है, जो लोग खासकर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या सीखना चाहेंगे फ्यूचर में, कोई भी 10 साल बाद भी अगर सीखना चाहेगा तो ये एक ऐसा मैच हो सकता है। ऐसे कुछ मैच होते हैं जिसमें विकेट नहीं गिरते हैं, ऑलमोस्ट 10 विकेट से 9 विकेट से विकेट। बाबर आजम का कौन सा गोल्डन टाइम चल रहा है, ये रिसर्च की पॉइंट साबित हो सकती है जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। टीम जीत जाती है, अप डाउन से जीत जाती है, लेकिन कल जिस जंग से खेला था, अगर 250 रन भी इंग्लैंड बना लेती, 250 रन भी इंग्लैंड बना लेती, तो सेकंड बैटिंग का तो दिन था, ऑब्वियस था। जब दिन रहता है तो कुंडली एक बार चेंज पोजीशन में आ जाती है, हो सकता है लास्ट टाइम में फिक्सर की बुक के अनुसार ड्रामा होता, वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन इस ढंग से कि विकेट ही नहीं गिरे, इसका मतलब दोनों की कुंडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तो ऐसी कुंडलियों पर रिसर्च करने से आपके फुल लिमिट गेम बन सकता है, बड़ा अमाउंट लगाया जा सकता है। साल में 10 मैचेज अगर जो लोग ज्योतिष पर रिसर्च करते हैं, अभी मैं पर्सनल कुंडली पर रिसर्च नहीं किया हूँ, मैं मैच के टाइमिंग पर रिसर्च किया हूँ, लेकिन आज कोई बंदा जो यंग है और उसको ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, मेरे पास तो ठीक ठाक पैसे भी नहीं आते थे, पॉकेट मनी भी इसी से निकालना पड़ता था, लेकिन अगर आप कैपेबल हो तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स की कुंडली बनाकर आप इनका दिन निकाल सकते हो। केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना पड़ेगा आपको, केपी एस्ट्रोलॉजर दिन निकाल सकता है और दिन में ये बताया जा सकता है कि ये 2 घंटे में अगर ये बैट्समैन खेल रहे हैं तो इन 2 घंटे अगर इनकी जोड़ी बन गई है। कल दोनों की ही कुंडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इन्होंने कई मैचेस जिताए हैं, इन मैचेस का अगर रिकॉर्ड्स टैली करके कुंडलियां बनाई जाए और बैक डेट में जाकर अगर रिसर्च किया जाए तो ऐसा पता चलेगा कि ऐसे बहुत से मैचेज हैं जिसमें इन इन ये टाइम जब जब आता है, यानी इस ग्रह की दशा जब जब आती है। कल बुध में बृहस्पति चल रहा था, फिर मैच के टाइम में, पाकिस्तान के मैच के टाइम में शनि आ गया, तो बुध में शनि, बुध रंग हरा रंग का होता है, बुध का नक्षत्र बुध का ग्रीन कलर होता है और पाकिस्तान के भी संयोग से ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर इनको इनको तो हेल्पफुल देना था। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि कुंडली तो पाकिस्तान की थी, जीतना पाकिस्तान को ही था चाहे अप डाउन होता, लेकिन अप डाउन नहीं हुआ और ऑलमोस्ट एक तरफा हो गया, तो ये एक रिसर्च पॉइंट है। ऐसे कम से कम 50 मैचेज के इंसान अगर रिसर्च निकालता है बैक डेटेड में जाके, तो पता चलता है कि भाई ये टाइम जब जब आएगा तब तब टीम एक तरफा जीत जाएगी, यानी एक विकेट ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकेट से ज़्यादा गिराकर नहीं जीतेगी। और कभी कभी ऐसा रॉन्ग भी होता है, गौर करने वाली बात सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि कुंडली बोल दी तो वो हर बार कुंडली जीतती है, तो जीतती है, लेकिन ज़्यादा बार कुंडली के फेवर में ही फिक्सिंग होती है और जो टीम जीतने वाली होती है ग्रह उसी की ओर इंडिकेट करते हैं, लेकिन कर्म वही साथ देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुंडली भाग्य कुंडली में जीतना रहता है पाकिस्तान को या जीतना रहता है, सपोज कल इंग्लैंड की अगर कुंडली होती तो जीतना इंग्लैंड को था, तो इंग्लैंड अच्छा खेली, इंग्लैंड ऑलमोस्ट 30 पैसा अंडर 30 पैसा भाव ले आई, लेकिन कर्म इतना हावी था, यानी बाबर आजम और रिजवान, फिर से बोल रहा हूँ गौर कीजिएगा, जो लोग बोलते हैं सर कुंडली कभी कभी क्यों गलत होती है, तो कुंडली गलत होती है कभी कभी कर्म हावी हो जाता है, कई बार आप देखते हो हैट्रिक बन जाती है, खिलाड़ी हैट्रिक बना लेता है या 2 ओवर में 4 विकेट निकाल लेता है, तो उस बॉलर की इतनी इतना दिन भारी था, इतना दिन सॉलिड था वो, जो उस टाइम जो 4 2 ओवर 3 ओवर वो जो बॉलिंग कर रहा था उस टाइम का कैलकुलेशन किया जाए तो वो टाइम उसका सुपर टाइम था। जो बोलते हैं लाइफ में गोल्डन टाइम जरूर आता है, हर इंसान की जिंदगी में गोल्डन टाइम आता है, लेकिन हर बार ही वो गोल्डन टाइम आगे नहीं जाता, क्यों? क्योंकि गोल्डन टाइम आने के पहले वो ये देखा जाता कि पिछला वो जो खराब टाइम आया था उस खराब टाइम में वो नीचे गिरा था कि नहीं गिरा था,
नहीं समझे मेरी बात को, फिर ध्यान से सुनिएगा। हर इंसान के टाइम में गोल्डन टाइम आया जरूरी नहीं है। गोल्डन टाइम आते हुए भी कई बार उसको गोल्डन टाइम का फल क्यों नहीं मिलता, गोल्डन टाइम का फल उन लोग को मिलता है जो कभी खड्डे में गिरे थे, जो कभी एक एक रुपए के लिए तरसे थे, जो कभी 1,000 2,000 के लिए भी दोस्तों से उधार मांगे थे। तो वो उनको वो दिन देखना पड़ा था, एक टाइम खाना स्किप करना पड़ा था, कर्जा वाला कर्जा मांगने आता और उनको या तो घर से गायब होना पड़ता या देर रात तक घर से घूमते हुए घर में घुसना पड़ता, मुंह छुपाते हुए घर में घुसना पड़ता, या फ़ोन को घर में जब तक रहते ऑफ करना पड़ता। ऐसे कई सारी सिचुएशन आती है जब वो नीचे गिरता है, मतलब अपने लाइफ स्टाइल से वो नीचे का स्तर जी रहा होता है। तो ऐसे इंसानों का जब गोल्डन टाइम आता है तब वो दिन दोगुनी रात चौगुनी, जो बोलते हैं 6-8 महीने में ही 50 पेटी कमा लिया, या 6-8 महीने में 20 पेटी कमा लिया, या 2 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लिया, वो वैसे वैसे लोग वो टाइम देखते हैं। हर इंसान ही वैसे गोल्डन टाइम नहीं देखता है, क्योंकि गोल्डन टाइम देखने के लिए आपको एक बार खड्डे में गिरना पड़ता है, आपको एक बार नीचे गिरना पड़ता है। नीचे गिरने वाला आदमी के पास जब गोल्डन टाइम आता है तब वो उतनी स्पीड से, बल्कि उससे कई गुना स्पीड से ऊपर उठा देता है। इसलिए भगवान से मनाओ कि गोल्डन टाइम देखने का जिगरा है क्या? गोल्डन टाइम जिगरा, मेरे पास कई कुंडली आती है, सर मेरा गोल्डन टाइम आएगा, तो मैं उनको सीधा सीधा से पूछता हूँ कि सबसे खराब टाइम कब आया था? तो जब जिंदगी में खराब टाइम नहीं आया, 2-2 रुपए के लिए तरसे नहीं, तब गोल्डन टाइम की उम्मीद क्यों करते हो? गोल्डन टाइम की उम्मीद तभी करो जब बिल्कुल खराब टाइम देख चुके हो, शनि बिल्कुल गला दबाने की पोजिशन में आ गया है, तब शनि छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन सीधी सीधी जिंदगी चल रही है, यानी बॉल सीधे सीधे चल रही है, तब फिर उसको गोल्डन टाइम की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। और मेरी समझ में तो गोल्डन टाइम नहीं आए तो बेटर है, क्योंकि गोल्डन टाइम आने के पहले झटका दिखाता है, खड्डे में गिरवाता है, कर्ज में फंसवाता है। उससे अगर इंसान उबर जाए, उबर जाए मतलब वो गलत ट्रैक पर नहीं जाए, तब वो गोल्डन टाइम का मजा लेता है। इसलिए हर बार गोल्डन टाइम की उम्मीद, ये बात चली इसलिए बात इंपॉर्टेंट बोलना थी, जो लोग उम्मीद करते हैं कि मेरा गोल्डन टाइम आएगा, कब आएगा, तो उनको ये सोचना चाहिए कि गोल्डन टाइम आने के पहले उनको गड्ढे में गिरना पड़ेगा। क्या वो मानसिक रूप से रेडी हैं? क्या वो मेंटली रेडी हैं उस सिचुएशन से गुजरने के लिए? अगर हाँ तब तो ठीक है, गोल्डन टाइम आएगा आपका, नहीं तो सीधे सीधे बॉल चल रही है, तो सीधे सीधे चीज चल रही है। नए लाइफ में बहुत डाउन है, नए लाइफ में बहुत अप है, वो जिंदगी जीने में ज़्यादा आनंद है मेरे हिसाब से। बाकी थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मैच जब गलत होते हैं तो टीम के खिलाड़ी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम आ जाता है, तब तो वो टीम जीतते जीतते नहीं जीतती है। 200 रन इंग्लैंड बना ली थी, 199 रन इंग्लैंड बना ली थी, टीम एफोर्ट्स था, सबने थोड़ा थोड़ा रन बनाया और इंग्लैंड का भाव अनफेवरेट से इंग्लैंड 30 पैसा आ गई। तो कुंडली के हिसाब से इंग्लैंड की भी टीम होती तो कुंडली के हिसाब से इंग्लैंड की टीम दौड़ गई, ज़्यादातर कुंडली की टीम पहले दौड़ती है। लेकिन बाबर आजम और रिजवान होलाखक के कर्म के कारण इतना कर्म सॉलिड था कि इंग्लैंड की कुंडली होते हुए भी इंग्लैंड हार जाती क्योंकि कर्म प्रधान हो गया था। तो कवरम से जो लोग बोलते हैं सर सिर्फ भाग्य होता, नहीं सिर्फ भाग्य नहीं होता, कर्म से भी आप भाग्य को चेंज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल कई मैचेज में होते हैं, कई मैचेज में कुंडली टीम की ना होते हुए भी सामने वाला टीम, जैसे मैंने बताया 1 ओवर में 4 विकेट, या 2-3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टनसी जैसा कि धोनी ने कई बार दिखाया है, ऐसे कुछ मैच होते हैं जो मैच को पलट देते हैं। इसलिए मैं कभी भी नहीं बोलता कि कर्म करना छोड़ दो, सिर्फ भाग्य पर भरोसा करो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। कर्म मेन है, 50% आपको कर्म चलेंगे, 50% आपका भाग्य चलेगा। दोनों मिलकर ही कुंडली बनती है, दोनों मिलकर ही मैच बनता है, दोनों मिलकर ही इंसान आगे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहें, बाकी इंटरनेशनल मैचेज बहुत अच्छे जाएंगे और वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब कर देना नए लोग, घंटी के बटन ऑन रखना, कंटिन्यू वीडियो आएगा वर्ल्ड कप तक।